राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। यहाँ पर आर्मी एक्सरसाइज को लेकर के किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है। मोहनगढ़ और आसपास के किसानों को उर्दू और अंग्रेजी में मोबाइल पर मैसेज आए हैं। इन मैसेजेस में कहा गया है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी जमीन और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है और इस बार भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जो मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर वहां किसानों को मिले हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। उर्दू और अंग्रेजी में ये व्हाट्सएप मैसेज किसानों को मिला है जिसमें उन्हें भड़काने की कोशिश की गई है। मेरे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। ओपी, क्या है इस मैसेज में? देखिए, इस मैसेज में बहुत स्पष्ट रूप से किसानों को भड़काते हुए कहा गया है कि आर्मी और बीएसएफ का जो प्रशिक्षण यहाँ पर चलता है इस इलाके में, उसके चलते किसानों की जमीन को काफी नुकसान पहुंचता है, उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और सरकार द्वारा उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता है। इसके साथ इस मैसेज में कहा गया है, यदि आप अपने इस नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इन लोगों की एक्सरसाइज चलेगी उसके फोटो, उनके बारे में पूरा विवरण इस नंबर पर भेजें जिस नंबर से व्हाट्सएप किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जिस व्हाट्सएप नंबर से ये मैसेज किसानों तक पहुंचे हैं वो दुबई का नंबर है। ऐसे में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पूरी साजिश पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान में बैठकर दुबई के नंबर के जरिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और इस साजिश के तहत वो वहां पर होने वाली एक्सरसाइज के दौरान जो युद्ध उपकरण उस एक्सरसाइज के दौरान यूज किए जाएंगे और जो ऑफिसर वहां पर मौजूद होंगे उनके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है। क्योंकि उसने इस व्हाट्सएप मैसेज में यह भी साफ तौर पर कहा है कि उन लोगों की फोटो खींचे, उनके बारे में पूरा विवरण जुटा। बिल्कुल, तो आप ये जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं किसानों को, उनकी आगे जांच पड़ताल भी हो रही है।